हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको लेकर आए हूँ सबसे नौवीं का, जो कि आपका वार्षिक परीक्षा की पेपर आ चुके हैं। तो आप इसे जल्द से जल्द स्क्रीन पर वीडियो को ज़्यादा पढ़ कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो देख लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इस साल क्वेश्चन। यहाँ आपको मैथ का क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपके मिलेंगे। आपको अत्यंत पुराना होगा, आपके स्टेज होंगे 16, वो आपको मिलेंगे 23। ठीक है, तो आप देख लीजिए सभी क्वेश्चन को अनिवार्य है। ठीक है, एक से पाँच तक क्वेश्चन अनिवार्य है। सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। पहले में क्या हुआ कि सही जगह सेंटर होते हैं। ठीक है, तो पहले का बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, बिल्कुल हल टाइप में पूरा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दी गई आपकी जो सारे छाया का भाग हिंद के रूप में होगा, क्या होगा? तो आपको पहले में सी कह देना कि 1/4 होगा। ठीक है, दूसरा में आएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपूर्ण होगी। तो आपको क्या करना है कि एक दो। तीसरा क्वेश्चन में आएगा कि शून्य बहुपद की भाषा है, क्या कह देना आपको? परिभाषा नहीं। ठीक है, चौथा में करना है आपको बिंदु -2 कोष्टक -2 -3 किस चतुर्थान को। ठीक है, तो आपको पाँच में क्वेश्चन में होगा कि a+b+c=0 ओ के रूप में समीकरण को क्या करते हैं, तो दो स्टैंड वाले रूप में। तो आपको क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन क्या आता है आपका, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे कहलाती हैं क्या? संरेखीय बिंदु। ठीक है, संरेख बिंदु। तो आप इसे जल्द से जल्द फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिल्कुल रियल क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए, आपको यहाँ इंग्लिश में दी जाएगी सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसे फटाफट स्क्रीनशॉट। दूसरे में क्या आएगा कि रेगिस्तान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो रेगिस्तान की पूर्ति में आपको क्या करना है कि 3/5 में 1/5 को घटाने पर क्या आएगा कि 25 का प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको ये कह देना। दूसरा आएगा कि एक मोटरसाइकिल की कीमत, साइकिल की कीमत की 10 गुना, यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत कितनी होगी? 600 रुपये होगी। ठीक है, 6,000 रुपये होगी। ठीक है, तो आपको ये कर देना है। तीसरा क्वेश्चन में आएगा आपको कि संख्याएँ आर को परिमेय संख्या कहा जाता है, यदि p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो जहाँ p/q पूर्णांक है और po का बराबर नहीं होता। ठीक है, तो आपको इसमें पूर्णांक पाया जाना। चौथा में क्या आएगा कि बहुपद के चार घातीय सदैव तो पूर्ण संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है। पाँचवा क्वेश्चन में आपको कह देना है कि मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, छठवां में आपको सरल रेखा कह देना है, सातवां में कौन करना है आपको। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर दीजिए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में क्या आता है कि सही जोड़ी करना है। तो सही जोड़ी पहले की क्या हो जाएगी आपकी, पहले की हो जाएगी डी, दूसरे की आपकी सी, तीसरे की आपकी एफ और चौथे की आपकी पहली और पांचवें की आपकी बी और छठवें की आपकी ई हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको भी, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे जल्द से जल्द फटाफट स्क्रीनशॉट करते जाइए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए आपके पास, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आपका, एक शब्द में वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर करना है। ठीक है, मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरल के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हुए? तो आपको 85 रुपये कर देना है। ठीक है, तो दूसरा इसी प्रकार से आएगा कि 1/(cos(bx)) a हो जाएगा। तीसरा में आपको हो जाएगी बे अक्षीय जिनकी आकार और माप समान होगी। ठीक है, चौथा में आपको हो जाए संवरण चतुर्भुज। पाँचवा में 9 से 1800 के बीच में होगा। ठीक है, छठवा में देख लीजिए स्थानीय, सातवा में 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा सेम, 5 सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कर देना है। ठीक है, छठवा क्वेश्चन में देख लीजिए आपका, पाँचवा क्वेश्चन में आएंगे आपको क्या कि सत्य सत्य करना है। ठीक है, किसी घातक के किसी घटना से घटते की प्रक्रिया एक से अधिक नहीं होती है, वह सत्य कहलाती है। ठीक है, अधिक प्रवणता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, सत्य है। ठीक है, तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य हो जाएगा, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा और छठवा आपका भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो छठ
सातवां क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार से कह दूँगा, इसका अथवा आपका ही हो जाएगा, ठीक है। छठवा हो जाएगा, सातवां देख लीजिए इसी प्रकार से, इसका अथवा भी देख लीजिए, ठीक है। तो नौवां क्वेश्चन का देख लीजिए अथवा, और यहाँ दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो आज सारे क्वेश्चन देख लीजिए, मैं वीडियो को पढ़ कर नहीं लिखा, रिजल क्वेश्चन है आपके पेपर में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, तो आप इसे कर लीजिए। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो आप कर लीजिए, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल पर उनके चैनल लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ टेलीग्राम में ज्वाइन ले सकते हैं, तो आपको ज्वाइन ले सकते हैं, तो वहाँ कुछ नॉलेज आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका इसके अथवा नहीं होता, ठीक है, जिसकी आकृति आपको यहाँ बनाएगी, ठीक है। सोलमा क्वेश्चन आएगा आपका, सोलमा का अथवा ही आ जाएगा, सतमा आ जाएगा, इसका अथवा ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सारे सारे फटाफट इसमें सोच कर दीजिए। उन्नीसवा क्वेश्चन इसका अथवा आ जाएगा, उन्नीसवा का ही देख लीजिए, सत्ताईस क्वेश्चन बिल्कुल डिजल है, बीसवा का अथवा हो जाएगा, बीसवा हो जाएगा, इसका भी अथवा हो जाएगा, इक्कीसवा का, बाईसवा का भी अथवा हो जाएगा, तेईस माह का देख लीजिए, तेईस माह का अथवा भी देख लीजिए। आपके यहाँ सारे क्वेश्चन होते हैं आपके समान, तो आप इनमें बिल्कुल फटाफट इसमें सब कर लीजिए, बिल्कुल डिजल क्वेश्चन, तो आपको रोक रोक कर आप उसमें इसमें सब कर लेना, और बिल्कुल रिजीव करके जाना, बिल्कुल आपको क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी करें, और बाकी जो भी वीडियो निकाली आपका सबसे पहले, अगर आप अच्छी बात फोन से दीजिए आपको प्रॉफिट कर